कोई छोटा मोटा हिंट बनाओ या उसको विजुअली किसी तरीके से याद करने की कोशिश करो। हमारा दिमाग पिक्चर्स में सोचता है, हमारा दिमाग कभी भी किसी चीज को डायरेक्ट लर्न नहीं कर पाता। अगर हम किसी चीज की पिक्चर बना पाते हैं तो वो हमें जल्दी से याद हो जाता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप सभी लोग अपनी आईज क्लोज करो, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो। आईज क्लोज करने का मतलब होता है आंखें बंद करना। दो चार लोग अभी भी एक एक आंख खोल के देख रहे हैं धीरे से। सभी लोग अपना आंखें बंद करेंगे, अपनी आईज एकदम क्लोज कर लो और इसको बंद ही रखना। मैं आपको जो एक एक्टिविटी कह रहा हूं आपको वो करनी है। अब आप सभी लोगों को मैं एक काम कह रहा हूं आपको वो करना है आंखें बंद रख के ही। आप सभी लोग अपनी मम्मी के बारे में मत सोचो, अपनी मम्मी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी दिमाग में मत आने देना। मम्मी ने आज जो साड़ी पहनी थी, आज जो ड्रेस पहनी थी, वो दिमाग में मत आने दो। आज सुबह आपने मम्मी को देखा था, वो चेहरा दिमाग में मत आने दो। मम्मी के बारे में नहीं सोचना है कुछ भी हो जाए। मम्मी दिमाग में मत आने दो। मम्मी की कोई फोटो मत सोचो दिमाग में, मम्मी की किसी फोटो के बारे में मत सोचो। लास्ट टाइम आप लोग कहीं खाने पर गए थे, वहां पे मम्मी ने जो पहना था, जो मम्मी आपके साथ थी, वो चेहरा दिमाग में नहीं आना चाहिए। मम्मी के बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। चलो आंखें खोलो, क्या हुआ? मम्मी मम्मी दिख रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे दो तीन वर्ड्स मैंने बोले। एक तो मैंने बोला मम्मी, एक मैंने बोला मत और नहीं। जो मम्मी वर्ड है उसकी एक इमेज है दिमाग में, इसलिए वो वर्ड जल्दी से आ गया। पर नहीं या मत शब्द की कोई इमेज नहीं है, इसलिए हमारा दिमाग उसको सोच नहीं पाया। राइट? यानी कि हम जो देखते हैं हम वो करते हैं, जो हमें कहा जाता है हम वो कभी नहीं करते। हमारे मम्मी पापा कह गए कि परेशान हो गए कि तू ये काम मत कर मत कर मत कर मत कर, पर हमें समझ में नहीं आया। ऐसा कई बार होता है रस्ते के अंदर कोई दो जनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, कोई गाड़ी वगैरह पिट गई, थोड़ी सी आपस में लड़ाई हो गई है ना। अब वो सिर्फ बातों में लड़ाई कर रहे हैं। इतने में एक मोहित सर जैसा बंदा आके बोलता है, मारना मत इसको, मारना मत, और वो दोनों चालू हो जाते हैं। अरे वो पहले मारने का इरादा नहीं था उनका, मोहित सर आके बोल के गए भाई मारना मत। अब मारने की तो इमेज है दिमाग में, मत की कोई इमेज नहीं। ठीक है, मार आई दूसरे मार दिए, मुक्के मार दिए। इतने में हर्षित आके बोल के चला गया, देखो कुछ भी हो जाए पत्थर मत मार, ऐसे लड़ लो भले, पत्थर मत मारना। अब वो ढूंढ रहे कहां। हमारा दिमाग हमेशा इमेजेस में सोचता है। जब नए नए वर्ड हमारे सामने आते हैं, डिफिकल्ट वर्ड हमारे सामने आते हैं, तो हम उसको एकदम से याद नहीं कर पाते। बट यदि कोई टीचर हंसी मजाक में हमें वो वर्ड सिखा दे तो हमारे दिमाग में उसकी एक पिक्चर बन जाती है। राइट? जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वहां के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां के टीचर वोकैबुलरी भी सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्जाम में मीनिंग आने वाले। और कुछ टीचर ऐसा करते हैं कि सिर्फ ग्रामर पढ़ाते हैं और मीनिंग्स की आपको नोट्स पकड़ा देते हैं कि अपने आप पढ़ लेना। ये अपने आप का कल्चर हमारे यहाँ नहीं। जब तक हमें कोई कहे नहीं तब तक हम पढ़ते नहीं है, तो मीनिंग्स क्या याद करेंगे। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि पढ़ना तो सिर्फ एग्जाम के दिनों में होता, पूरे साल पढ़ने का अपना कल्चर नहीं है। और हम लोग अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे से, हम एग्जाम के दिन में ही पढ़ते। बट वो स्कूल था, वो कॉलेज था, ये कंपटीशन का जमाना था। कंपटीशन में लास्ट टाइम में तैयारी करके आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं। कंपटीशन में आपको पूरे साल पढ़ना पड़ता है और पूरे साल पढ़ने के लिए एक हैबिट होती है।